एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ज्यादा टेस्टी, डिलीशियस और पावर पैक रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, कभी भी। बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है क्योंकि इसमें दाल पड़ती है, साथ में मसाले, तो इसे बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, कमेंट एंड बेल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लगेगा अदरक, लिया है मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, साथ में मिर्ची आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने 3 लिया है मिर्च, और साथ में एक बड़ा टमाटर लिया है। और दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी में, धोकर रात भर भिगोया हुआ और सोक किया हुआ दाल है। तो इसमें साबुत मूंग है और येलो मूंग दाल है और साथ में चना दाल है, अच्छे से फूल चुका है ये। अब मैं इसे मिक्सी में सारा चीज़ डालकर अच्छे से पीस लूँगी। तो ये हमारा पिस चुका है, तो इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये अपने मॉइस्चर में ही अच्छे से मिक्स करते हुए पिस गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसे आटे में डाल दूंगी। तो 2 कटोरी के बराबर मैंने आटा लिया, यानी व्हीट फ्लार। तो पिसा हुआ दाल हम मिक्स कर लेते हैं आटे में, और साथ में मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून के बराबर क्रश किया हुआ। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। 2 आलू ऐड करना है बॉयल किया हुआ मैश करके, साथ में कलौंजी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कैरम सीड यानी अजवाइन, जीरा 1 टीस्पून और चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें ना डालें। अब सॉल्ट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब ये सारा कुछ हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, तो इसी में काफ़ी हद तक ये बाइंड हो जाएगा आटा। और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सख्त आटा देंगे, जिस तरह से हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डो बनकर तैयार है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी और इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। जितनी भी मोटी या पतली आपको रखना है, छोटा या बड़ा जैसा साइज आप रख सकते हैं। अब मैं पूरी बना के रख लेती हूँ। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया है, तो पहले एक प्लेट में हम कुछ पूड़ियाँ बनाकर रख लेते हैं, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको पूड़ी नहीं सेकना है तो आप इसका पराठा भी बनाकर ले जा सकते हैं जर्नी में, बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं विथ अचार, दही, सब्जी या इवन चाय के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कुछ पूड़ियाँ मैं बेल कर रख लेती हूँ पहले से। तो ये हमारी पूड़ी बनकर तैयार है, इसे मैं सेकूंगी। डीप फ्राई करना है गरम ऑयल में, तो प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, जिस तरह से हम रेगुलर पूड़ी बनाते उसी तरह से हमें सेकना है। इस तरह से हम सारा तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए ये यमी और डिलीशियस स्नैक रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।